आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। और इसमें तकरीबन तीन हमारे लेक्चर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। और वो बहुत ही आसान लेक्चर्स हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है। कुछ छोटी कंक्लूजन्स हैं, फिगर्स के बारे में हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं एंड इंटरसेक्शंस हैं। जो बंदा इंटरसेक्शन पे ज़्यादा पूरा हासिल कर लेता है उसके लिए भी शॉर्ट हैंड और ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फिगर क्या होता है। फिगर्स, अच्छा, तो ये जो फिगर्स है ना, फिगर्स ये नहीं है कि हमने शॉर्ट हैंड इंग्लिश ही लिखनी होती है हर टाइम डिक्टेशन में। कई मतलब इस तरह होता है कि हमें हिंसे लिखने पड़ जाते हैं, कोई अमाउंट लिखनी पड़ जाती है, तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला हिंसा हमें इसका आ गया है वो 100 केज का आ गया है। तो 100 के लिए आपने एम के जो स्ट्रोक है उसको आपने यूज करना, ठीक है। मीन के अगर लफ्ज आए थे हमारे पास 700 डिक्टेशन में हमें लिखना हो, तो ये नहीं हम करेंगे कि उसको पूरा लिखने बैठ जाएंगे, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो करना ये होगा कि 100 जो है वो एम जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा फिगर्स में। हम करेंगे 7 लिखेंगे और नीचे एन हम इसके डाल, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये है 700, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड फिगर हमें दिया गया है वो है 1000 का। अब जो 1000 है ये हमने इसके जो कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करना है वो करना है इथ, ये जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 1000 जिस तरह आ जाता है हमारे पास 5000, ठीक है। इस फिगर को हमें लिखना होगा, हम लिखेंगे 5 और आगे इसके इथ डाल देंगे, ये बन जाएगा 5000। और इसी तरह अगर लास्ट बन जाता है 500,000, तो हम करेंगे 5 को लिखेंगे सिर्फ, 100 के लिए एन आ जाएगा और 1000 के लिए था, तो ये हमारे पास लास्ट बन जाएगा 500,000। देन इससे आगे जो हमारी इकाइयों में आता है वो लैक आता है। ये बुक पे नहीं दिया होगा, इसके लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपने एल का सोर्स इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको अगर कोई कहता है कि आपने लिखना है 2 लैक्स लिखना पड़ जाता है, तो 2 को लिखेंगे और आगे एल का सोर्स कर दो, तो ये बन जाएगा 2 लैक। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट जो इकाई है वह है हमारे पास मिलियन, तो मिलियन पर एम का सोर्स हमें इस्तेमाल। एट मिलियन लिख देंगे, 8 आपने लिख देना है उसके नीचे एम डाल देना, ये हमारे पास जस्ट सिंपली 8 मिलियन बन जाएगा। इसी तरह बिलियन है, बिलियन के लिए बी का सूत्र। ये दूसरा फॉर एग्जाम्पल 3 बिलियन हमने लिखा है, तो 3 लिखेंगे और आगे बी डाल देंगे, ये बन जाएगा बिलियन। एंड जो सेकेंड नंबर पर हमारी जो करेंसी, हमारी करेंसी के अलावा जो करेंसी यूज होती है वो डॉलर इस्तेमाल होता है, तो डॉलर के लिए यहाँ पर डी का साइन इस्तेमाल किया गया है, यानी कि डी फॉर डॉलर होगा। तो डी का सो, ठीक। अब करना हमें ये है, अगर हमें हमें लिखना है $4, तो 4 लिखने के साथ डी डाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 4 एंड डॉलर। ये इकाई छोटी बड़ी भी हो सकती है, जैसे हमें लिखना पड़ जाता है 6 बिलियन डॉलर्स,
अब क्या करेंगे, सिक्स को लिख लेंगे बी फॉर बिलियन, डी फॉर नंबर, बन जाएगा सिक्स बिलियन नंबर। ठीक है, ये थे हमारे फिगर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो कॉमन फ्रेजेस होती हैं, ठीक है, तो वो हमने करना है। कंपाउंड वर्ड्स ये जो वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं दो छोटे वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बन रहा होता है, यानी कि दो लफ्ज़ों का मजमू ही होता है, मगर ये दो छोटे लफ्ज़ होते हैं जो कॉमन फ्रेजेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, ये उनको मिलाकर एक वर्ड बन रहा होता है, तो उसको हम कॉमन वर्ड्स कह देंगे, कंपाउंड वर्ड्स कह देंगे। तो उनको जब जोड़ के लिखेंगे तो वो एक नई शेप बन जाएगी, और उनको जोड़ के लिखने का तरीका यहाँ पर तय है, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है हेयर, देयर एंड वेयर। ठीक है, ये आपने कर लेना। इनके साथ सिर्फ मैं एक एग्जांपल इन वाली करवा दूँ, अगर इनके साथ हमें हेयर के साथ इन मिलाना होगा तो ये हमारे पास होता है हेयर, तो ये साथ एन जोड़ देंगे बनेगा हेयर इन। अगर देयर इन लिखना तो ये देयर साथ एन का सूट जोड़ देंगे देयर इन बनेगा। आगे वेयर है तो ये वेयर होता है, आगे एन का सूट जोड़ देंगे तो ये बनेगा वेयर इन। तो ये कंपाउंड जो वर्ड्स हैं ये भी आपने कर लेने हैं। और इसके बाद लास्ट लेक्चर जो समझाने के लिए आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया गया वो है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस हमने क्या करना है, लास्ट को दरमियान से काटना है। अब काटना किस लिए, ये इंटरसेक्शन इसलिए बनाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होते हैं, जो मोर सिंपल भी होते हैं, क्योंकि आगे हमें स्पीड में लिखना है, तो स्पीड में लिखने के लिए ये होता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए होता है कि हम तेज़ लिख सकें, किसी भी बोली हुई वर्ड को तेज़ी से पिक कर सकें, और उसके लिए हमें आसानियाँ चाहिए होती हैं, फ्रेजेस चाहिए होती हैं, लफ्ज़ों को इकट्ठा लिखना पड़ता है। तो इसी तरह इंटरसेक्शन जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल वो प्ले करती है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कोई 20-25 वर्ड्स हैं जिनके लिए जो कंसोनेंट है, जो स्ट्रोक है, उसको मुतय्यन कर दिया गया है कि अगर इस स्ट्रोक से किसी लफ्ज़ को काट देंगे तो वो ये जो मीनिंग है वो लफ्ज़ बन जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो पी का स्ट्रोक है ना, ये पी है, इसका जो स्ट्रोक है ये रिप्रेजेंट करेगा अगर हम इस स्ट्रोक से किसी लफ्ज को काट देंगे तो वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब पी का स्ट्रोक से अगर हम किसी लफ्ज को लिखे हुए लफ्ज को काटेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह, लफ्ज है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अब कंजर्वेटिव आ रहा है उसके बाद पार्टी आ रहा है। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि हम पार्टी को पूरा लिखें, मगर दूसरा तरीका हमारे पास इंटरसेक्शन है जिसमें हमने पढ़ा है पी फोर, हमने क्या याद करना है, पार्टी याद करना है। अब कंजर्वेटिव लिख लेंगे, कन प्रीफिक्स आ गया, जर वे टी एंड यू कर देंगे। अगर तो पार्टी पहले होता तो हमने शुरू से पी से कट करना था, अब ये कंजर्वेटिव के बाद आ रहा है पार्टी, तो बाद वाले हिस्से को पी के स्ट्रोक से कट कर देने से ये पार्टी बन जाएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और पी से कट किया यानी कि पार्टी, तो ये बन जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। इसी तरह जो नेक्स्ट लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है बी फॉर बैंक और बिल, आपने याद करना है, यानी कि अगर बैंक या बिल आ रहा है कहीं पर, आपने फुल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर डिक्टेशन में बोला जा रहा है, अगर अकेला लफ्ज कभी लिखना पड़ जाता है तो वो आप उसको फुल लिख सकते हैं बैंक को, अदरवाइज अगर आपको बैंक या बिल किसी लफ्ज से पहले या बाद में लिखना पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, जो उससे बाद वाला लफ्ज है तो उसको आपने बी से कट कर देना तो बैंक या बिल बन जाएगा। जैसे कि लफ्ज है बैंक रेट, अब बैंक रेट में आपको बैंक, अगर बैंक लिखेंगे ये बैंक बन जाएगा, लेकिन अगर हम
क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, रेट लिखते हैं। बैंक पहले आ रहा था शुरू वाले हिस्से को बी से कट कर देंगे तो ये हमारे पास बैंक रेट बन जाएगा। तो ये है हमारी इंटरसेक्शन। इसी तरह जो टी है, टी फॉर आप अटेंशन याद करेंगे, डी फॉर डिपार्टमेंट, जे फॉर चार्ज, जे फॉर जर्नल, के फॉर कंपनी, कवर एंड कैप्टन, तीनों आपने याद करने हैं के फॉर। ठीक है, आपको कभी भी कंपनी, कवर या कैप्टन पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप इस इंटरसेक्शन को याद कर लेंगे। इसके साथ गे फॉर गवर्नमेंट एंड गन, गन का मतलब है यहाँ पर गे और एम हुक, ये बिगनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बिगनिंग को आपको पूरा लिखने की जरूरत कोई नहीं होगी, ये बिगनिंग होता है, ये बिगनिंग होता है। ठीक है, अब बिगनिंग आपने पूरा नहीं लिखना बल्कि क्या करना है, उससे पहले या बाद वाले लफ्ज़ को गन यानी गे और एन हुक से आपने कट कर देना, तो ये बिगनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। एफ फोर आपने फॉर्म याद करना है, एफ ओ आर एम। इसके साथ जो इथ, इथ का कंसनेंट होगा, इथ का स्ट्रोक होगा, वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। देन एस फॉर सोसाइटी, एम फॉर मैनेजर, मॉर्निंग एंड मार्क, तीनों के तीनों इंटरसेक्शन आपने याद होंगे। इसके बाद एन फॉर नेशनल, एल फॉर लिमिटेड, आप किसी भी स्टॉक को एल से कट करेंगे तो वो हमारा लिमिटेड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा यहाँ पे होता है कोका कोला लिमिटेड हो गया, या कोई भी इस तरह की वनस्पति लिमिटेड, या जितनी भी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज चलती हैं तो आगे लिमिटेड लिखा होता है। तो लिमिटेड ये नहीं कि लिमिटेड आप पूरा लिखेंगे, लिमिटेड पूरा लिखने बैठेगा लिमिटेड, ये लिमिटेड बनेगा। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखना बल्कि क्या करना है, एल के स्ट्रोक से सिर्फ कट कर देना तो वो हमारे पास लिमिटेड बन जाएगा। इस तरह रे, रे का जो स्ट्रोक है उसे हमने लिखना है रिक्वायर, रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट, तीनों के लिए हमने एक ही रे इस्तेमाल करना है। और रे फॉर रेलवे भी याद करना है। इस तरह आर फॉर अरेंज, अरेंज्ड और अरेंजमेंट, आर के स्ट्रोक से। देन आखिर पर हमारे पास आ जाता है कॉरपोरेशन और कर्नल, कर्नल अलेक्जेंडर आ रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक कॉरपोरेशन दो वर्ड्स लिखे हैं, और आखिर में लिखा होगा पर, पी एंड आर, यानी कि पर जो हमने डबल कंसोनेंट में पढ़ा था, पी के शुरू में एक छोटी हुक बनाएंगे बाई तरफ, तो वो जो पर होगा वो प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ पेज नंबर 159 पर, 159 पर हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंटली, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, इनकम, बिकम, बिकमिंग, वेलकम एंड नेवर दी लेस, ये आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स प्रिपेयर कर लेनी है। और इसके साथ जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है 140। एक्सरसाइज 140, ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। आज जो है हमारा वो न्यू कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तकरीबन फुली शॉर्ट हैंड लिखना आ चुका होगा। शॉर्ट हैंड में कामयाबी का राज है वो सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो जो मिलेंगे, अदरवाइज आपको जो नहीं मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहें और शॉर्ट हैंड को करते रहें। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।